नगर पंचायत बेटमा के वार्ड नंबर 13 में रहने वाले फौजी विजय यादव के भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर सकुशल अपने घर आने पर युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर व नगर वासियों के विभिन्न मंचों से पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं यादव ने डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा को सलामी देकर माल्यार्पण भी किया। तिरंगा यात्रा में युवाओं ने खूब नृत्य किया तो महिलाओं व बालिकाओं ने ढोल की थाप पर खूब गरबा नृत्य किया। रविवार को बेटमा नगर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। हर कदम फौजी को एक नज़र देखने की ओर बढ़ चला। अवसर था भारतीय सेना से 17 वर्षों की सेवा से रिटायर होने के बाद पहली बार नगर पहुंचे भारतीय थल सेना में पैरा कमांडो रहे जवान विजय यादव के सम्मान का। सागर रोड से शुरू हुआ सेवानिवृत्त सम्मान का यह जुलूस बाजे गाजे और ढोल धमाकों के साथ अंबेडकर चौराहे, राजबाड़ा, पूरा बाजार, त्रिवेणी चौक होते हुए घर पहुंचा। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरा तो मैं जैसे ही बोलना चाहूँगा कि एक साल थे कुछ 17 और इन्फेंट्री में था पैदल सेना में। काफ़ी दौड़ा, काफ़ी भागा, कभी सभी सब कुछ हुआ, मगर जब ये प्यार देखता हूँ यहाँ पर आके सारा खत्म हो जाता है। तो मेरे जो दोस्त हैं अभी जो जाने वाले हैं, जो अभी नए बन रहे हैं यहाँ पर, और जो भी कुछ दिन आपने आप थोड़ा हंगामा देखा था वो कुछ लोगों के कारण हुआ था, जबकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पर। ये बिल्कुल शानदार जो योजना है जो वहाँ पर अग्निवीर और मेरे दोस्त सारे, मैं यहाँ से अपने बेटमा से यहाँ पर जितने भी अग्निवीर हैं, जितने भी आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर बनके दिखाऊंगा यहाँ पर, इन सब मेरे जो सालों को देखकर मुझसे कुछ वहाँ पर उनको मैं शिक्षा दूंगा कि हाँ नहीं जाना चाहिए। और ये हमारा देश 4 साल हो, चाहे वो 17 साल हो, चाहे वो 22, चाहे 24, चाहे 30 साल, कितने साल भी हो, वहाँ पर हम जितने साल करेंगे वहाँ पर देश सेवा है और साथ में साथ हमारा करियर भी है, ये दोनों है वहाँ पर। 17 साल का अनुभव बहुत सारे यहाँ पर, मतलब एक मतलब दुख से शुरुआत करूँ तो मेरा साथी अभी रिटायर्ड होने वाला, आज के दिन ही रिटायर्ड होने वाला था, बट आज से 2 महीने पहले हवलदार महेंद्र पारदी शहीद हो गया। बस उसका मुझे बहुत, मेरी जो पूरी लाइफ में एक दुख है। बाकी तो मणिपुर में जो आपने घटना देखी वो एक बहुत मेरे लिए एक दुखद, बहुत हमारे हर फौजी के लिए वो दुखद होती है, मगर मेरी लाइफ के लिए मैं बोलूँ, मैंने अमेरिका के साथ में ट्रेनिंग किया, चाइना के साथ में ट्रेनिंग किया वहाँ पर 2008 में, एक्सरसाइज शत्रुजीत, एक्सरसाइज हैंडीनैंड, और काफ़ी साल मेरे यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में भी निकले जम्मू एंड कश्मीर में अंदर, उसमें काफ़ी पल आए जो ऑपरेशनल पल थे, काफ़ी एक शानदार, मतलब शानदार जर्नी रही, शानदार यात्रा रही कि हाँ कुछ तो लाइफ आया हूँ वहाँ पर। और मेरे साथी, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ वहाँ पर, ये किसी भी दुनिया की कोई और यूनिवर्सिटी आपको 4 साल में उतना डिग्री नहीं दे पाएगी जो इंडियन आर्मी आपको दे देगी। बने अग्निवीर, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बने अग्निवीर। और पूरे आगे जाकर मैं आगे जाकर कुछ बातें करूंगा, जो मेरे सीनियर्स अधिकारी ने जो वीडियोस जारी किए हैं कि अग्निवीर क्यों सही नहीं है, और मैं बताऊंगा क्यों सही है, 1000 तरीके बताऊंगा आपको क्यों सही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।